मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका टेंथ लेसन चल रहा था जिसमें हमने पहले अपने टेंथ को एक्सप्लेन किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है एन सर्कल द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने वर्ब, टाइम और टेंस ये लेसन पढ़ा था। तो वर्ब जिसमें वो काम का करना बताते हैं कि क्या काम किया गया है, वैसे ही अपने को यहाँ पर वर्ब है उसको सर्कल करना है। इसमें जो भी मेन वर्ब दे रखी है उसको अपने को सर्कल करना है। पहले वाले एग्जाम्पल में आपने पढ़ा था, ये देखिए अजय वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। अब इसमें वॉज प्लेइंग वर्ब है तो वैसे ही आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है सिमरन इज ईटिंग हर फूड, तो इज ईटिंग को सर्कल करना है। अभय वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास, तो वॉज डिस्टर्बिंग को सर्कल करना है। थर्ड है आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो गोइंग जा रहा है तो उसको गोइंग को सर्कल करना है, एक वर्ब है। फोर्थ में रिस्पेक्ट को सर्कल कीजिए, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। फिफ्थ अंजू हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, तो हैज़ फिनिश्ड एक वर्ब है। सिक्स्थ है इट माइट रेन टुमारो, तो माइट और रेन इसको सर्कल करना है आपको, ये मेन वर्ब है। सेवन्थ है कविता एंड प्रीति विल विजिट दिल्ली टुमारो, विल विजिट फ्यूचर में आ रहा है तो इसको विल विजिट को सर्कल करना है। एट्थ में स्मृति हैज़ फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक, तो हैज़ फिनिश्ड फिनिश और उसके आगे हैश आ रहा है, हैश आ रहा है उसको सर्कल करना है। चिल्ड्रन स्माइल्ड फॉर द फोटोग्राफ, स्माइल्ड को सर्कल करना है। दे हैव इनवाइटेड मी फॉर पार्टी, तो हैव इनवाइटेड को सर्कल करना है। यू कैन स्पीक ऑन दिस टॉपिक, स्पीक बोलना वर्ब है उसमें स्पीक को सर्कल करना है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आर प्लेइंग जो ये अभी प्रेजेंट टेंस में हो रहा है इसलिए आर प्लेइंग वर्ब है इसको सर्कल करना है। दिव्या हैज़ फोर पेयर्स ऑफ शूज़, अब हैज़ है उसके पास तो हैज़ हमारा एक हेल्पिंग वर्ब होता है तो ये वर्ब है इसलिए हैज़ को सर्कल करना है। फोर्टीन्थ है द गेस्ट्स विल बी कमिंग टुमारो, तो विल बी कमिंग ये फ्यूचर टेंस में आएगा इसलिए यहाँ पर हमें इसको सर्कल करना है। दीपा विल गिव हर एग्जाम असाइनमेंट नेक्स्ट वीक, विल गिव वर्ब आ रहा है तो हम विल गिव को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका टेंस एंड टाइम। टेंस और टाइम, जो टेंस होती है हमारे थ्री पार्ट्स में होते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अभी जो होता है वो हम प्रेजेंट में लेते हैं, पास्ट जो बीत चुका है और फ्यूचर जो आने वाला होता है। वर्ब ऑल्सो टेल्स अस द टाइम एंड टेंस ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस। देयर आर थ्री टेंसेस, थ्री टेंस होते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। थ्री टाइप के टेंस होते हैं अपने। फर्स्ट होता है प्रेजेंट जो अभी वाला होता है, पास्ट जो बीत गया और फ्यूचर जो आने वाला है। तो लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस बिलो। अंकित एट द केक, अंकित ने केक खाया था तो ईट का पास्ट फॉर्म आई एट। अंकित ईट्स द केक, अंकित केक खा रहा है अभी तो ये प्रेजेंट आ गई इसलिए ईट्स का यूज हुआ। अंकित विल ईट द केक, अंकित फ्यूचर मतलब खाएगा तो विल ईट आया। तो ईट्स एट और विल ईट ये थ्री टाइप के टेंस बता रखे, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। नोट द हाईलाइटेड वर्ब्स इन द अबव सेंटेंस। इसमें देखिए एट जो रिप्रेजेंट पास्ट टेंस विच मींस दैट द एक्शन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। एट का यूज़ हुआ, जैसे इसमें पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है और इसमें ये जो ये काम है वो पहले किया जा चुका है। एट्स बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का है और ईट्स बता रहा है ये प्रेजेंट टेंस का है तो ये एक्शन प्रेजेंटली अभी हो रहा है। और विल ईट ये फ्यूचर टेंस का है तो इसमें ऐसे बताएगा विच मीन्स दैट द एक्शन विल हैपन इन द कमिंग टाइम, और आने वाले टाइम में ये काम होगा। लेट अस रीड सम कॉमन वर्ब इन अ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर फॉर्म। ये जो आपके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर फॉर्म में ये वर्ड्स दे रखे हैं आपको, इनको आपको रीड करना है। जैसे आस्क का पास्ट क्या होगा, आस्क्ड, और फ्यूचर है विल आस्क। इसमें सबके आगे फ्यूचर में विल लग जाएगा, पास्ट फॉर्म में कोई कोई फॉर्म चेंज नहीं होती है, बाकी सब फॉर्म चेंज हो जाती है, और प्रेजेंट एज इट इज़ जो हमारा वर्ब होता है वो लगता है। इसको आप रीड कीजिएगा। नेक्स्ट हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, आइडेंटिफाई एंड राइट द टेंस ऑफ द सेंटेंस। जहाँ पर मेन वर्ब आएगी वहाँ हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, जहाँ पर वर्ब के आगे विल लगेगा वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा, और जहाँ पर वर्ब चेंज हो जाएगी वहाँ पर हमारा पास्ट टेंस होगा। तो फर्स्ट वाला देखिए, रोहित वियर्स अ कैप, अब वियर के आगे एस लग रहा है, वियर्स अ कैप तो ये कौन सा आ गया, प्रेजेंट टेंस, तो अपन वियर्स पर अंडरलाइन करेंगे और सामने लिखेंगे प्रेजेंट टेंस।
सेकंड है दे बिल्ट अ मल्टी स्टोरे बिल्डिंग, तो बिल्ट प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पर बिल्ट लगेगा, बिल्ट अ मल्टी स्टोरे बिल्डिंग, दे बिल्ट अ मल्टी स्टोरे बिल्डिंग। अब ये बिल्ट आया तो बिल्ट हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा क्योंकि बिल्ड होता है प्रेजेंट और उसका पास्ट हो जाता है बिल्ट, तो बिल्ट को अंडरलाइन करेंगे और पास्ट टेंस लिखेंगे। थर्ड है आवर एग्जाम्स विल स्टार्ट, अब विल आ गया है स्टार्ट के आगे, मेन वर्ब के आगे विल लगाए तो पता है आपको फ्यूचर टेंस होगा, तो ये फ्यूचर टेंस लिखेंगे, विल स्टार्ट को अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ आ रहा है द पार्सल विल अराइव, अब वापस अराइव के आगे विल लग गया तो ये भी एक फ्यूचर टेंस है, विल अराइव को अंडरलाइन करेंगे और फ्यूचर टेंस लिखेंगे सामने। फिफ्थ है जीत लाइक्स टू वॉच क्रिकेट मैचेस, अब लाइक्स प्रेजेंट में आ रहा है लाइक और एस लग गया उसके आगे तो ये एज इट इज़ वर्ब फॉर्म है उसकी, तो ये प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। सिक्स्थ में सुमिता फिनिश्ड हर मील, अब फिनिश्ड फिनिश के आगे ईडी लगा है, फिनिश एक वर्ब होती है, वर्ब के आगे ईडी लग गया हमारा तो ये पास्ट हो गया, तो यहाँ पर फिनिश्ड पे अंडरलाइन करेंगे और पास्ट टेंस लिखेंगे। सेवन्थ है वी डिड नॉट गो टू मनाली, अब ये डिड है तो डू का पास्ट फॉर्म होता है डिड, तो ये डिड पे अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे पास्ट टेंस। एट्थ है हरी बेक्स डिलीशियस केक्स, तो बेक्स बेक प्रेजेंट टेंस हो गया हमारा तो ये बेक पे अंडरलाइन करेंगे और प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। नाइन्थ पे है माय फादर इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, अब इज आ रहा है इज हम हेल्पिंग वर्ब है पर वो हमेशा इज प्रेजेंट टेंस के साथ में लगता है तो इसलिए यहाँ पर इज को अंडरलाइन करके प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। शी वेक्स अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, अब वेक्स प्रेजेंट टेंस हो गया हमारा, वेक्स पे अंडरलाइन करेंगे और प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। थर्ड एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स, इनकी जो जो वर्ड दे रखी है उनके अलावा आपको जो ब्लैंक दे रखे हैं उनको आपको फिल करना है। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर थ्री फॉर्म्स में हमें लिखना है। फर्स्ट वाला दे रखा है आस्क, आस्क का पास्ट क्या होगा आस्क्ड ASKED आस्क्ड और फ्यूचर होगा विल लग जाएगा और प्रेजेंट फॉर्म है वो आ जाएगी तो विल आस्क। सेकेंड है टीच टॉट विल टीच, रीड रेड और विल रीड, इसे लिखते स्पेलिंग वही आती है READ रीड पर उसमें हम इसको प्रोनाउंसिएशन रेड करते हैं। लर्न लर्नड विल लर्न, प्ले प्लेड विल प्ले, यूज यूज्ड विल यूज, ग्रो ग्र्यू विल ग्रो, हिट हिट और विल हिट, इसमें हिट चेंज नहीं होगा। सी सॉ विल सी, डू डिड विल डू, ब्रिंग बॉट विल ब्रिंग, फाइट फॉट और विल फाइट। ये जो एक्सरसाइज मैंने करवाई है 1, 2, 3 टेंथ लेसन की, इसको आप लोगों को नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी बुक में कंप्लीट करना है और जो ये मैंने बताया है आपको ये कॉमन वर्ब्स है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में दे रखा है इसको आपको केयरफुली रीड करना है इसको और इसको लर्न करना है, ये आपके आगे काम आएगा। तो ये चीज़ है आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, आज हमारा 10th लेसन कंप्लीट होता है, इसको आपको बुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। थैंक यू।